लोक जनशक्ति पार्टी अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान ने राष्ट्रीय जनता दल अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव पर तीखा निशाना साधा है। लालू यादव के राजनीतिक भविष्य पर चुटकी लेते हुए रामविलास पासवान ने कहा कि राजनीति में 5 बार मैट्रिक फेल यादव का राजनीतिक करियर समाप्त हो गया है। पासवान ने अपने पूर्व सहयोगी पर जमकर निशाना साधा और कहा, लालू यादव का राजनीतिक करियर पूरी तरह से खत्म हो गया है, इसलिए वो अपने बेटों के राजनीतिक भविष्य को तलाश रहे हैं। इसी वजह से उन्होंने तेजस्वी यादव को उप मुख्यमंत्री और तेज प्रताप को कई महत्वपूर्ण विभाग का मंत्री बनवाया है। पासवान ने RJD सुप्रीमो की इफ्तार पार्टी पर सवाल खड़े करते हुए कहा कि उनका मुस्लिम प्रेम केवल दिखावा है, यदि वो वास्तव में मुस्लिमों से प्रेम करते तो अब्दुल बारी सिद्दीकी जैसे वरिष्ठ नेता को उप मुख्यमंत्री बना सकते थे। आपको बता दें कि लालू यादव ने जीतन राम मांझी को मंत्री बनाए जाने की वकालत की और पासवान को रिटायर्ड होने को कहा है। आपको लालू यादव की वो बाइट सुनाते हैं। जीतन मांझी में केंद्रीय मंत्रिमंडल में शरीक होने का गुण है। हम चाहेंगे कि NDA के लोग जीतन मांझी जी को, जो अभी फेरबदल होने वाला है केंद्र में मंत्रिमंडल, उनको वहाँ पर उचित स्थान मिलना चाहिए। जीतन मांझी को, रामविलास जी को अब रिटायर्ड हो जाना चाहिए। रामविलास जी अब बूढ़े हो गए हैं, चलने में भी उनको दिक्कत है, और अंतिम पावदान पर ही आदमी जीतन मांझी मुसहर समाज से आते हैं। इनको निश्चित रूप से उस समय नरेंद्र मोदी जी जहाँ जाते थे इनको लेके जाते थे गोद में, वोट में लुभाने के लिए। तब तो जीत गए। तो जीतन मांझी में गुण है, सारा गुण है केंद्रीय मंत्रिमंडल में शरीक होने का। इनके टैलेंट का इस्तेमाल इस पर हो जाना चाहिए। अगर नहीं होता तो जीतन मांझी को भी सोचना चाहिए कि आपको ये सब नहीं पूछता है। और रामविलास जी तो अब बूढ़े हो चले हैं, अब वो चलने के लायक भी नहीं है, उनको लोग देख लिया है। तो हमारी रमजान के पवित्र महीना में यहाँ से मेरा है, खुदा से भी प्रार्थना है कि जीतन जी को वहाँ भाजपा के जो लोग हैं इनको ले जाके इनको उचित स्थान वहाँ दिलवाएं। LJP अध्यक्ष ने हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के प्रति बढ़ते लगाव पर कहा, मांझी जी कभी राजद अध्यक्ष के साथ नहीं जाएंगे। उन्होंने कहा कि जीतन राम मांझी का राजनीतिक भविष्य राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के साथ है और गठबंधन के साथ ही रहेंगे। लालू यादव और उनके बेटों द्वारा अब तक लगातार चिराग पासवान पर राजनीतिक हमले किए जा रहे हैं। खैर, जो भी हो, कभी दोस्त रहे अब राजनीति में दुश्मन हैं और एक दूसरे पर लगातार वार भी कर रहे हैं। NMF न्यूज की रिपोर्ट।